X8 Sandbox। अब भाई साहब इसका नाम तो बहुतों ने सुन रखा होगा, लेकिन बहुतों को यूज करना ही नहीं आता होगा, और जिसे यूज करना आता है वो थोड़ा बहुत यूज करना आता है। तो आज मैं तुम्हें फुल प्रोसेस बताने वाला हूँ शुरू से लेके अंत तक। यूज क्यों होता है, कब होता है और कैसे होता है और कहाँ होता है, समझ रहे हो? तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले यार जो भी चैनल पे नए आ रहे हो ना यार, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर दो, ताकि यार मेरी वीडियो सबसे पहले यार तुम लोगों तक पहुंचे और तुम लोग पहले यार यूज कर सको इस चीज को। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। तो चलो यार शुरू से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है पता है, X8 Sandbox डाउनलोडिंग लिख के सर्च मारना, उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना और इस लिंक पे क्लिक कर देना। अब तुम क्लिक जैसे ही करोगे तुमको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे लोडिंग लेगा, उसके बाद यहाँ पे डाउनलोडिंग दिखेगा, देख सकते हो 300 MB का ये डाउनलोडिंग ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक कर देना। अब इस पे जैसे ही क्लिक करोगे उसके बाद तुम्हें VIP पे क्लिक कर देना, उसके बाद ये तुम्हारा डाउनलोड होने लगेगा। अब भैया तुम्हें सैंडबॉक्स एप्लीकेशन को ओपन करना है, उसके बाद इस पे क्लिक करना, उसके बाद अलाउ का ऑप्शन आएगा उसको अलाउ कर देना सिंपली से। उसके बाद क्या करना है तुम्हें पता है, इस वाले लिंक पे क्लिक करना है, यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे ये लोडिंग लेगा। यार मैं नेटवर्क बहुत ज्यादा स्लो रहता है थोड़ा, तो क्या यार एडजस्ट करो। अब देखते हैं यार ये कब तक में होगा, और यहाँ पे फाइनली हो चुका है। अब तुम्हें क्या करना है पता है, सिंपली से X8 Sandbox ढूंढना है। यहाँ पे जैसे तुम देख सकते हो मुझे मिल चुकी है X8 Sandbox, इस पे क्लिक करेंगे उसको अलाउ कर देंगे, और अलाउ करने के बाद तुम्हें सिंपली से बैक आना है। रुको रुको भाई यार पूरा वीडियो देख के जाओ, अभी तुम्हें इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये बहुत ज्यादा टाइम लेता है यार स्टार्ट होने में, तो यार पेशेंस रखना सिंपली से मैं बता रहा हूँ। अब तुम्हारा यहाँ पे हो चुका होगा ओपन। गाइज मैं देख रहा हूँ तुम लोग यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, और हाँ लाइक भी नहीं करते हो यार, तो यार फटाफट लाइक करो यार, चैनल को सब्सक्राइब भी करो, और गाइज फुल वीडियो वॉच करो। अब तुम्हें सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, अब तुम्हें थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और उसके बाद बैक आना है, और उसके बाद यहाँ पे तुम्हें ओके का ऑप्शन दिखेगा, ओके कर देना। ओके जैसे ही करोगे यार ये दोबारा से रिफ्रेश लेगा और दोबारा से टाइम लेगा उतना है स्टार्ट होने में। अब फाइनली गाइज ये स्टार्ट होने ही वाला है, जस्ट मेरे को लगता है अब स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पे फाइनली यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। अब तुम्हें क्या करना है पता है, क्रॉस वाले आइकन पे क्लिक करना है, उसके बाद अपना गेम ढूंढना है। यार मैंने कोई और गेम डाउनलोड करके रखा है यार, तुम कोई और गेम हैक कर सकते हो ऐसे सिंपली। यहाँ पे हिल क्लाइंब रेसिंग मैंने डाउनलोड करके रखा है, तो इस पे क्लिक करते हैं। उसके बाद तुम्हें इस पे क्लिक करना है, यहाँ पे ध्यान से देखना मैंने क्या क्लिक करा है। उसके बाद तुम्हारा यहाँ पे लोडिंग लेगा थोड़ा देर, उसके बाद तुम्हें बैक आना है और सेटिंग वाले ऑप्शन पे दोबारा क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करोगे तुम्हें कुछ सेकंड वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद थोड़ा बैक आना है, और बैक आने के बाद तुम्हें क्या करना है पता है, इस पे टिक कर देना, देख लो सिंपली से यहाँ पे टिक कर दिया, और फिर से बैक आना है। अब तुम बैक जैसे ही आओगे, अभी बैक हो जा भाई, बैक जैसे ही आओगे तुम सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, फिर से बैक आना गाइज वही सिंपली, और फिर से इसको टिक कर देना। यहाँ पे देख सकते हो मैंने जैसे जैसे करा है वैसे ही करना है। अब तुम्हें थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, सिंपली से बैक आना है, और यहाँ पे तुम्हें देखना है कि तुम्हारा ओके ओपन है कि नहीं, देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे बैक आना है पूरी तरह से, उसके बाद तुम्हारा गेम यहाँ पे हो चुका है। तो जाओ यार गाइज मारो मौज।